सब्सक्राइब कीजिए आशीष ऑनलाइन चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। राम सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीगो लाइव एप्लीकेशन में आखिर रिपोर्ट कैसे मारी जाती है, कैसे रिपोर्ट मारते हैं और इसके कुछ ट्रिक्स हैं कि बहुत से यूजर्स ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा शायद कि रिपोर्ट कैसे मारते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ब्यूजिंग वगैरह होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिपोर्ट मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बीगो लाइव एप्लीकेशन में रिपोर्ट कैसे मारते हैं और आखिर रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। तो इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे रिपोर्ट मारी जाती है। और इसमें आपको यही बताएंगे तो रिपोर्ट मारने के लिए सबसे पहले आपको बीगो टीवी बनकर अगर आप रिपोर्ट मारेंगे तो सबसे पहले आईडी बैन होगी। जी हाँ, सबसे पहले आईडी बैन होगी। और इसमें अगर आप मान के चलो अगर एक क्लास में आईडी किसी की भेजनी है तो आपको कम से कम 15 यूज़र्स का ग्रुप बनाना होगा। और ग्रुप बनाने के बाद अगर आपके वो 15 बंदे एक साथ जाके बीगो टीवी बन के रिपोर्ट मारते हैं तो आईडी ए क्लास में जाएगी 100%। 15 से 20 यूजर्स अगर मिल के एक साथ उस ब्रॉडकास्टर की ब्रॉड पे जाके रिपोर्ट मारेंगे तो पूरा यकीन है मेरे को कि आईडी ए क्लास में जाएगी 15 से 20 बंदों का अगर आप ग्रुप बनाते हो व्हाट्सएप पे। हमारे पास है, हमारे ग्रुप में कम से कम 15 बंदे हैं, लेकिन 15 मतलब जैसे कहीं पे ब्यूजिंग वगैरह हो रही है, कहीं पे गाली गलौज हो रही है किसी ब्रॉड पे, तो वहाँ पे एक साथ 15 बंदे नहीं आ पाते हैं। बाकी यह है कि हम जैसे भी जाते हैं हमारे ग्रुप के बंदे तो वहाँ जाकर हम रिपोर्ट मारते हैं बीगो टीवी बनकर, तो हम उनकी आईडी बैन तो कर देते हैं। अब तक हमने काफ़ी बंदों की आईडी बैन करवा चुके हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने अकेले ने बीगो टीवी बन के रिपोर्ट मारी है। आपको यकीन ना हो शायद, वो अलग बात है, लेकिन मैंने अकेले बंदे ने बीगो टीवी बन के रिपोर्ट मारी है। और इतनी नहीं, कम से कम काफ़ी आइडिया मैंने गिराई है, काफ़ी आइडिया मैंने बैन कराई है और आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा। और साथ में आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे सवाल ही पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात, आईडी अगर बैन हो जाती है आपकी ए क्लास में तो बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं, बताते भी हैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में बताते हैं कि वो आईडी खुल सकती है। तो मेरे भाई, कोई भी आईडी आपकी अगर एक क्लास में बैन हो जाती है तो वो खुलने के कोई चांस नहीं होते। लेकिन हाँ, वो आईडी खुल सकती है, रिक्रूटर खुलवा सकता है, लेकिन वो उसमें मोटो या डायमंड लेने की शर्त रखता है। अगर आप उस शर्त को मंजूर करते हैं तो वो आपकी आईडी खुलवा देता है। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब दिखाएंगे आपको बारीकी से, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको, कैसे रिपोर्ट मारी जाती है, कैसे बीगो टीवी बनकर आप रिपोर्ट मार सकते हैं, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन हाँ, इसमें हम उन ब्रॉड पर नहीं जाएंगे जिन ब्रॉड पर दंगेबाजी होती है, क्योंकि एक तरह से वो चीज़ हम यहाँ दिखा नहीं सकते, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं हमारी, तो इस कारण हम वो चीज़ दिखा नहीं सकते। तो फिलहाल हम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे रिपोर्ट मारना सिखाएंगे, बीगो टीवी बन के कैसे आप रिपोर्ट मार सकते हैं, वो सब बताएंगे आपको अपने इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं बीगो लाइव एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि आप कैसे बीगो टीवी बन के रिपोर्ट मार सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईडी का यहाँ से करना है लॉग आउट करना है। देखिए, ना लॉग आउट का ऑप्शन नहीं है, इसमें जाएंगे ना आप सेटिंग में तो आपको ऑलरेडी लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में जाओगे, लॉग आउट ऑप्शन मिल जाएगा। लॉग आउट करने के बाद आपको सबसे पहले जो जिस ब्रॉड पर पंगा हो रहा है उस ब्रॉड का लाइव शेयर अपने व्हाट्सएप में शेयर करना है, किसी फ्रेंड को शेयर मार दीजिए। शेयर मारने के बाद आपने फिर उसके बाद ये करना है, शेयर मारोगे जैसे आप लॉग आउट करोगे व्हाट्सएप पे जो आपने अपने फ्रेंड को शेयर करा उसको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप उस पर भी उसकी ब्रॉड पे आ जाएंगे डायरेक्ट, तो
अब जैसे इसकी रिपोर्ट पर जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं जैसे मान लो रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। एड्रेस और लगता है धंधेबाजी बहुत होती है इस वीगो लाइव एप्लीकेशन के अंदर। चलिए ये शायद अच्छी ब्रॉड लग रही है। तो यहाँ पे चल के आपको रिपोर्टें मारनी है, कोई पहले ऐसे मारने फटाफट मारनी है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्टें मारनी है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे रिपोर्ट मारनी जैसे हम मार रहे हैं, इस तरीके से रिपोर्ट मारनी है आपको, ठीक है ऐसे मारनी है। दो नंबर नीचे उतरो पहला, तो दो नंबर साथ, अरे दो नंबर, ठीक है आपने ऐसे रिपोर्ट मारनी है, ठीक है इस तरीके से आपने रिपोर्ट मारनी है और यहीं से आपको आपको ऊपर जाना ऐसे करके फटाफट मार लीजिए देखो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको रिपोर्ट मारनी है ऐसे करके फटाफट, ठीक है आपने इस तरीके से आपने रिपोर्ट मारनी है। और जैसे कि अगर मान के चलो आपको जैसे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो अगर आप रिपोर्ट नहीं मारना चाहते हैं तो आपको आपको ये करना है, आपने यहाँ से दो मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठानी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठा के आपको अपने जीमेल पे जाना है, जो भी आपका मेल एड्रेस है याहू जीमेल जो भी है आपको उस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ प्लस का परसेंट बटन दे गया, प्लस पे क्लिक करा, फिर यहाँ पे हमने वो डाल दी वीगो लाइव की वीगो लाइव का मेल एड्रेस, यहाँ पे हमने लिंक टाइप कर दिया। अकाउंट ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी वो लिया था हमने वो ये वीडियो ध्यान रखना वीडियो 20 MB से कम की होनी चाहिए, यानी दो मिनट की आपको वीडियो बनानी है, ये नहीं कि आपने पूरी रामायण दिखा दी उसमें पूरी रामायण नहीं दिखानी, आपको थोड़ी सी वीडियो बनानी है दो मिनट की, वीडियो उठानी है। और वीडियो उठाने के साथ एक चीज़ और बताना भूल गया आपको मैं, जैसे मान चलो ये ब्रॉड है ठीक है, और आपको इसी इनकी जैसे इनकी ब्रॉड पंगा चल रहा है तो आपको यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट खींचना है, इनकी प्रोफाइल ये भी साथ जाएगा वहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचना है। अगर मान चलो स्क्रीनशॉट नहीं खींचता है तो ये जो आईडी नंबर आपने अपने आईडी नंबर उठा लेना है, आईडी नंबर आप किसी चीज़ में लिख लेना जैसे इसकी ब्रॉड अगर पंगा हो रहा है तो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट या जो भी है आईडी नंबर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी है अंडरस्टैंड वो डाल देना आपको यहाँ पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और जो आपने प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट खींचा है वो डालनी है यहाँ पे इस तरह लिख के भेज देना, मेल करके भेज देना है ठीक है। और उसके बाद 5 से 6 मिनट के अंदर आईडी बैन हो जाएगी उसकी। और दूसरी बात ए क्लास वालों के लिए एक मैं बता दूँ एक जानकारी, ए क्लास की कोई भी आईडी नहीं खुलती है और उसके लिए एक रिक्रूटर है वो ही खुलवा सकता है, लेकिन वो तो रिक्रूटर इस पर फिर डिमांड रखता है तो वही ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी आईडी 24 घंटे के लिए बैन होती है उसके बाद आप यूजिंग वगैरह छोड़ दें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हमारा तो यही अनुमान है। बाकी बहुत से यूजर ऐसे होते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल जिसमें दो वो चला लेते हैं ना दो वीगो लाइव, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दूसरी आईडी बना लेते हैं फेसबुक से या जीमेल से जो भी है, एक एक दो दो लेवल की आईडी बना लेते हैं उससे जाके पंगेबाजी करते हैं वीगो लाइव। फ्रेंड हमने अब तक जो आईडिया तो फ्रेंड हमने अब तक जो आइडिया बैन करवाई है वो दिखाते हैं हम। पहली आईडी ये बैन करवाई थी हमने 40 लेवल की ठीक है, और इसका दूसरी आईडी दिखाते हैं आपको। एक आईडी ये हमने बैन करवाई थी, ये 18 लेवल की आईडी थी तो हमने बैन हमने अकेले ने बैन करवाई थी आईडी। दूसरी ये बैन करवाई थी, ये हमने खुद अकेले ने बैन करवाई है, वीगो टी बनकर रिपोर्टें मारी है जैसे आपको बताया वैसे ही रिपोर्टें मारनी है आपने। और दूसरी ये है, इस तरह के नाम है आप देखोगे आपको खुद हंसी आएगी,
इस तरह की आईडी हमने खुद वो करके बैन कराई है, रिपोर्टें मार के आईडी बैन करवाई है। ये हमारा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो हमने मेल पे भेजा था, इनकी आईडी बैन करवाई थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। इस तरीके से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आईडी नंबर इस तरीके से भेजना है जैसे हमने भेज रखा है। और दिखाते हैं आपको, कई आइडिया बैन कराई है हमने अकेले ने, ये देखो ये हमने बैन कराई है। ग्रुप बनाकर रिपोर्ट मारनी पड़ती है बस। ये देखो ये इस तरह के आइडिया हमने बैन करवा रखी है, कई आइडिया बैन कराई, कई ये देख लिया, ये हमारे द्वारा बैन कराई गई आइडिया हैं सारी। ये देख लो ये भी हमारी तरफ बैन कराई गई आईडी है। ये देखो ये हमने बैन कराई है, किस तरह की गाली गुली बकते हैं तो इस तरह से आईडी बैन हो जाती है। ये देखिए कई आईडी हमने बैन कराई है, ये देखिए हमने सारी आईडी हमने बैन करवा रखी है जो भी आपको दिख रहा है। ये 18 लेवल की आईडी थी, ये भी हमने बैन कराई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं।